अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स की ओर से कमला हैरिस लगातार कमाल करती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अंगद के पांव की तरह जमी कमला हैरिस डेमोक्रेट्स के लिए लक्ष्मी साबित हो रही हैं। जब से जो बाइडेन चुनावी रेस से हटे हैं और कमला हैरिस को उन्होंने समर्थन दिया है, तब से ही डेमोक्रेट्स के खाते में खटाखट पैसे आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम पर पैसों की लगातार बारिश हो रही है, जमकर पैसे आ रहे हैं। उनके चुनाव अभियान को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कमला हैरिस को महज एक हफ्ते में ही, आपको बता दें कि $200 मिलियन यानी कि करीब 16 अरब रुपए का चंदा मिला है। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपको बताएं तो कमला हैरिस के प्रचार अभियान ने महज एक हफ्ते से भी कम समय में $200 मिलियन की भारी भरकम राशि जो है वो जुटा ली है। कमला हैरिस को अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। अपनी लेटेस्ट फंड रेजिंग की घोषणा करते हुए कमला हैरिस कैंपेन टीम ने बताया कि 66% से ज़्यादा डोनेशन 2024 के चुनाव में पहले चंदा देने वालों ने दिया है। और इतना ही नहीं, 1,70,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने कमला हैरिस के कैंपेन में मदद करने के लिए साइन अप भी किया है। आपको ये बताएं कि ये वॉलंटियर्स फ़ोन कॉल, जनसंपर्क और वोटिंग से जुड़े कई कामों में मदद करेंगे, जिसकी उन्होंने खुद से आगे आकर इसकी घोषणा की है। और कैंपेन के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर माइकल टायलर ने एक मेमो में लिखा है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए लोगों में जोश और उत्साह साफ दिखाई दे रहा है और ये जो चुनाव आया है वो चुनाव काफ़ी नज़दीकी होगा और कुछ ही राज्यों के वोटर जो हैं वो इसका फैसला करेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन ने जुलाई की शुरुआत में बताया था कि उन्होंने दूसरी तिमाही में $331 मिलियन यानी कि करीब 25 अरब रुपए जुटाए हैं, जो कि जो बाइडेन और उनके सहयोगियों द्वारा उसी समय में जुटाए गए $264 मिलियन यानी कि करीब 20 अरब रुपए से काफ़ी ज़्यादा है। ये उस समय का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। दरअसल जून के आखिर में हम डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के पास $284.9 मिलियन यानी कि करीब भारतीय रुपए में अगर बात करें तो 21 अरब रुपए नकद थे, जबकि डेमोक्रेटिक कैंपेन के पास उस समय $240 मिलियन यानी कि करीब 18 अरब रुपए नकद थे। अब 27 जून की बात करें तो 27 जून को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहस में खराब प्रदर्शन के बाद जो बाइडेन की उम्मीदवारी जो है वो कमजोर पड़ गई थी। इसके बाद उन्होंने रेस से अपना नाम वापस ले लिया और कमला हैरिस को अपना समर्थन उन्होंने दिया। कमला हैरिस को तुरंत ही डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन मिल गया और उसी का नतीजा अब देखा जा रहा है कि लगातार जो फंड रेजिंग है वो बढ़ती जा रही है। और इस तरह से कमला हैरिस लगातार डेमोक्रेट्स के लिए लक्ष्मी साबित हो रही हैं, क्योंकि पैसों की बारिश उनके ऊपर हो रही है। उनकी उम्मीदवारी से लोग भी डेमोक्रेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब 100 दिन से भी कम समय बचा है और पिछले हफ्ते हुए ओपिनियन पोल अगर उसकी बात करें तो ये बताते हैं कि कमला हैरिस और ट्रंप के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर बताइए। और ऐसी ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।